दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। स्मॉल जॉइंट्स, कभी कभी छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है जो कि काफ़ी हद तक जो है परेशानी का सबब होता है। कभी इन उंगलियों के जोड़ों में, कभी यहाँ पे कमर बन जाता है, इस तरह से कई सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे केस में जो सबसे पहली दवा है वो है कॉल्चिकम। अगर आपको उंगलियों में दर्द हो रहा है और ये कंटिन्यूसली बहुत ही पुराना दर्द है तो सबसे पहली जो दवा है वो आप लें ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 1 mg का एक डोज, 2 बूंद आधे कप पानी में हफ्ते में एक बार अवश्य लें। उसको छोड़ के आप कॉल्चिकम का 30 का डोज दिन में 4 बार लें, 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के उसे 4 बार अवश्य लें। कॉल्चिकम के साथ में लिडम पाल आप 2 बूंद डाल के अवश्य लेने की कोशिश करें। अगर इससे भी दर्द कम नहीं होता है तो आप मेडोरिनम और ड्रोसेरा, मेडोरिनम को 30 के पावर में और दूसरा भी 30 के पावर में। याद रहे कि जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि दवाई अगर लाभ नहीं हो रहा है, दर्द कम नहीं हो, कुछ चेंज ना करें, दवाई के पोटेंशियल को बढ़ा दें। मेडोरिनम और दूसरा को अल्टरनेट तरीके से लें, सुबह में 2 बूंद, रात को 2 बूंद, दोपहर में, और दूसरा भी मेडोरिनम लेने के 10 मिनट के बाद में उससे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे गैंग्लियन हो जाता है, यहाँ पे ट्यूमर टाइप का कुछ हो जाता है तो ऐसे केस में आप मेडोरिनम 1 mg का एक डोज हफ्ते में एक बार अवश्य लें। उसके साथ में रूटा भी 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार लें। और सबसे बड़ी दवा जो है वो है एक्टिया स्पाइकेटा। एक्सिया स्पाइकेटा 30 के पावर में दिन में कम से कम 4 बार अवश्य लें। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। और इस दवा को कंटिन्यूटी रखें कम से कम 2 से 3 महीने तक। हाँ, इस बात को ख्याल रखिए कि दवाई चेंज नहीं करनी है, दवाई की पावर को बढ़ानी है। आशा है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।